फ्रेंड्स, मैं सदानंद आपका डिप्लोमा ट्रेनिंग्स में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पेपर इंडस्ट्री, जो कि एक केमिकल टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। हम आज इंडस्ट्री में पेपर को कैसे बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम पेपर बनाने के लिए हमें किस मटेरियल की आवश्यकता होती है, किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, इसके बारे में जानते हैं। पेपर बनाने के लिए हम वो सबसे पहले मटेरियल का यूज करते हैं, जैसे पल्प हो गई, गन्ने की खोई हो गई या बांस हो गया। यहाँ पर हम पल्प को लेकर के पेपर बनाने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम पल्प को वाटर के साथ लेकर के बीटर में लेते हैं। फिर बीटर में ब्लेड्स भी लगे होते हैं जो घूमते रहते हैं, जो पल्प को अच्छी तरह से वाटर के साथ मिक्स करते हैं और इसे एक पाइपलाइन के द्वारा एक स्टोरेज टैंक में ले जाते हैं, जहाँ पर पल्प के साथ 99.5% वाटर भी होता है। फिर यहाँ इन दोनों को अच्छे तरह से मिक्स करके एक स्टोरेज टैंक में स्टोर करते हैं। स्टोर करने से पल्प नीचे बैठ जाता है और वाटर ऊपर हो जाता है, जिससे वो पल्प पेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। और वाटर को रिमूव करने के लिए हम पल्प और वाटर को एक बेल्ट पर ले जाते हैं, जहाँ पर प्रेसिंग रोल लगे होते हैं। इन प्रेशर रोल का काम यह होता है कि यह पल्प से वाटर को रिमूव करता है। जब यह पल्प प्रेशर रोल के बीच में दबेगा, दबता है, तो वहाँ से वाटर रिमूव होती रहती है। एक समय ऐसा होता है कि प्रेशर रोल और सक्शन रोल के बीच में पेपर्स आ जाते हैं, जिससे 60 से 65% वाटर रिमूव हो जाता है। इसके आगे बहुत सारे प्रेशर रोल लगे होते हैं और एक ड्राइंग ब्लैंकेट भी होता है, जिसमें कई प्रेशर रोल होते हैं। ये प्रेशर रोल पल्प को पेपर फॉर्म में कन्वर्ट करके उन्हें ड्राई करने का काम करते हैं। फिर इन रोल्स के बीच में हम पेपर्स को, यानी पल्प को ले जाते हैं और यहाँ से वाटर की मात्रा को रिमूव कराते हैं। फिर पेपर को हम सिलेंड्रिकल रोल में ले जाते हैं। यहाँ पर पेपर्स को कलरिंग भी किया जाता है और क्लीन और सॉफ्ट भी बनाया जाता है। फिर इसे हीटर के द्वारा हीट अप करके पेपर को कड़ा एवं मजबूत बना लिया जाता है। थैंक यू।